हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ पोयम ऑफ हनीड्यू बुक ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड द नेम ऑफ द पोयम इज मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। पोयम इज अबाउट द कैट विच इज वेरी मिस्टीरियस एंड द पोयम हैज बीन रिटन बाय T.S. एलियट वाज अ वेरी फेमस poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor of 20th century, and he was born on September 26, 1888 and died on 4th January 1965. And his famous work, The Wasteland, which is the most influential poetic work of 20th century, okay? This is a little information about the poet T.S. Eliot. T.S. Eliot बहुत ही famous poet, author, essayist, publisher, playwright, literary critic और editor थे 20th century के, और इनकी एक बहुत ही famous work है, poetic work है, The Wasteland. Okay? So student, this is about a little information of the poet T.S. Eliot. Now let's start the poem Mackavity the Mystery Cat. So Mackavity the Mystery Cat is a poem about a mysterious cat, Mackavity. Okay, so let's see the book. Do you have a pet cat? क्या आपके पास एक पेट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी कुछ भी इस उस कैट, जो भी आपके पास है पेट कैट, उसके बारे में कुछ भी मिस्टीरियस नोटिस किया है? मिस्टीरियस मीन्स अजीबो गरीब हरकतें या फिर रहस्यमय हरकतें जिसे कहते हैं, उसे मिस्टीरियस कहते हैं। तो वो क्या आपने नोटिस किया है अपने कैट के बारे में कि क्या वो मिस्टीरियस है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Mackavity is one for sure. यह आसान नहीं है कहना कि हर कैट दोस्त है, मिस्टीरियस है, ओके, रहस्यमय है, लेकिन Mackavity वैसा ही था, एक अपराधी कैटेगरी का कैट था, ठीक है? यहाँ पे मेल कैट की बात हो रही है, ओके, और ये श्योर है कि Mackavity वैसा ही था। वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या था जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता था? सो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, ओके? सो Mackavity इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। Mackavity जो एक रहस्यमय अपराधी कैटेगरी का कैट था, और उसे हिडन पॉ भी कहते थे, ठीक है? हिडन मीन्स छिपा हुआ और पॉ मीन्स पंजा, ठीक है? फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, ओके? या द मीनिंग ऑफ डेफी इज डिस ओबे, ओके? तो ये जो था Mackavity, जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है T.S. Eliot के इस पोयम Mackavity द मिस्ट्री कैट का, तो ये मास्टर क्रिमिनल था, ओके? ये एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि कभी भी लॉ को फॉलो नहीं करता था, लॉ का जो भी कानून थे उसे उसका डिसओबे करता था, ठीक है? ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ओके? ये ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वैड्स डिसअपीयर, ओके? तो ये इसके पीछे ना स्कॉटलैंड की पुलिस लगी हुई थी, स्कॉटलैंड यार्ड जो है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, ठीक है? तो लंदन पुलिस फोर्स की का हेड क्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड में। तो ये Mackavity कैट जो है मिस्ट्री कैट है, इसके पीछे लगा हुआ था, और एक फ्लाइंग स्क्वैड्स है जो कि डिसअपीयर हो जाता, मतलब कि जो फ्लाइंग स्क्वैड एक अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, मतलब ऐसे
पुलिस या सोल्जर्स का ग्रुप जो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो स्कैट के पीछे लगे हुए थे। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर, और जब भी वे पहुंचते थे क्राइम का सीन, उसके क्राइम के सीन के पास जब भी पहुंचते थे, मैकाविटी वहां नहीं रहता था। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, तो मैकाविटी वो बोलते थे, बट वहाँ कोई मैकाविटी जैसा नहीं रहता था, ठीक है। हिज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैकाविटी ने, या ही जो है मैकाविटी को रेफर कर रहा है, तो मैकाविटी सारे ह्यूमन लॉ, जितने भी इंसान के द्वारा कानून बनाए हैं, उसे ब्रोक कर दिया था, ठीक है, तोड़ देता था। आफ्टर दैट ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी का लॉ है, मीन्स द जो नेचर का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का जो कानून है, उसे भी वो तोड़ता था। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसका जो पावर था लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, तो मैकाविटी जो था वो एयर में बिना सपोर्ट के फ्लोट करता था, उड़ता था, ठीक है। और ये जो है कि गुरुत्वाकर्षण का जो रूल्स है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी का रूल क्या है कि हम लोग जो है कि या कोई भी कैट उड़ नहीं सकता है, ठीक है, ये नेचर के अगेंस्ट है, बट मैकाविटी ऐसा करता था। और ये देख के जो फकीर होते थे, फकीर जैसे जो फकीर टाइप के होते हैं ना, जिन्हें कभी कभी जादूगर भी कहा जाता है, तो वे लोग ये देख के स्टेयर होते जाते थे, मतलब कि सन रह जाते थे, ठीक है। मैकाविटी की ये जो करतूत है इसे देखिए। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर, और जब भी आप उस प्लेस पे जाओगे जहाँ पे क्राइम हुआ है, तो मैकाविटी वहाँ नहीं रहता था। वो इतना सातिर था कि वो तुरंत वहाँ से हट जाता था, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे बेसमेंट मीन्स जो जमीन के नीचे नीचे रहने लायक जो जगह बनाई जाती है, जनरली चोर या डाकू लोग जिन्हें पकड़ा जाता था, जो गलत काम करते थे और उन्हें तय खाने में रखा जाता था, तो वो वैसा टाइप का होता था। तो मैकाविटी को आप वहाँ देखोगे तो वहाँ भी वो नहीं मिलेगा, और एयर में उसे देखोगे तो वहाँ भी, मतलब यहाँ पे यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे वहाँ भी देख सकते हो, एयर में भी देख सकते हो, और नहीं भी देख सकते हो, मतलब वो इतना ज़्यादा साथी था, ठीक है। आफ्टर बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जब भी आप बेसमेंट में जाओगे उसे ढूंढने के लिए, या क्योंकि वो उड़ सकता था तो उसे उस तरीके से ढूंढने जाओगे, तो भी मैकाविटी वहाँ नहीं था, ओके, नहीं रहता था। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकाविटी वहाँ नहीं रहेगा, मैं बार बार कहता हूँ मैकाविटी वहाँ नहीं रहेगा। मैकाविटी इज़ अ गिंगर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, मैकाविटी जो था, अब उसके अपेरेंस के बारे में यहाँ पे है कि मैकाविटी जो है बहुत अलग ही टाइप का बिल्ली था, बिल्ली कहने का मेल बिल्ली था, ठीक है, बिल्ला जिसे कहते हैं, एंड वो बहुत ही लंबा था और पतला था। ही वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज अ सकिनी, और यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज अ सकिनी, और जब आप उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब भी देखोगे तो वो उसके जो आँख है उस धसे हुए थे, ठीक है, उसके फेस में धसे हुए थे। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड, और इसके उसके जो ब्रोज थे वो डीपली लाइंड थे, ठीक है, बहुत ही डीपली थे, एंड विथ थॉट, एंड हिज हेड इज़ हाईली डाउन, और उसके जो हेड थी वो गुंबद के जैसे थे, उसके जो उसका सर जो था वो गुंबद की तरह था, ठीक है। After that, his coat is dusty from neglect, his whiskers are unkempt, उसके जो कोट थे वो जो कोट पहना हुआ था मैकाविटी वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी था, डस्ट से भरा हुआ था, और उसके जो whiskers मीन जो कैट के फेस पे जो बाल होते हैं उसे कहते हैं, तो वे भी अनकॉम्ब थे, यानी कि उलझे टाइप के थे, कंघी नहीं की हुई थी, अनकॉम्ब मीन्स उलझे टाइप के थे।
एंड ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक. और उस वो अपने हेड को दाएं बाएं ऐसे हिलाते रहता था, बार बार हिलाते रहता था, जैसे कि स्नेक सांप की तरह वो अपने हेड को दाएं बाएं हिलाता था. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक. और जब आप ऐसा आपको फील आप ऐसा सोचोगे कि वह सोया आधा सोया हुआ अंध निद्रा में है, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो हमेशा ही सतर्क रहता था. ठीक है, वो फील ऐसा देखने में लगता था कि वो सोया है, बट वो सोया नहीं रहता था, वो जगा हुआ रहता था. मेकाविटी मेकाविटी देयर्स नो वन लाइक मेकाविटी 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 के जैसा कोई नहीं है. फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलिन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी. ठीक है, फाइंड मीन्स डेविल होता है. ठीक है, तो फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलिन शेप, और फेलिन मीन्स ऑफ या और रिलेटिंग टू अ कैट. ठीक है, तो ये जो है ना कि बाकी कैट के शेप में एक तरह से ये डेविल था. ठीक है, मेकाविटी बिल्ला के रूप में एक डेविल था. एंड अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, डेप्रेविटी मीन्स मोरल करप्शन, यानी कि नैतिक करप्शन का वो राक्षस था, मॉन्स्टर था. एंड यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. एक एक टाइम आप देखोगे कि वह स्ट्रीट यानी कि जो गली होती है, चारों दोनों तरफ घर और बीच में जो गली होती है, वहाँ एक तरफ आप एक टाइम आप इसे उससे मेकाविटी से वहाँ मिलोगे. ठीक है, और तुरंत ही वह वहाँ नहीं रहेगा, वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है. ठीक है, तो बट वेंस अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मेकाविटी इज नॉट देयर. मतलब यही है कि जब आप उसे देखोगे कि वह स्ट्रीट में है या कहीं भी बैठा हुआ है, बट जब क्राइम्स डिस्कवर्ड मतलब जब उसे खोजने के लिए वहाँ जा पुलिस फोर्स जाएगी या कोई भी उसे पकड़ने के लिए जाएंगे, देन मेकाविटी वहाँ नहीं रहता था, वो इतना सातिर था. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट अ मिस्टीरियस कैट मेकाविटी. ओके, एंड यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड यू हैव टू गेट द एक्सप्लेनेशन बाय सीइंग दिस वीडियो. ओके, सो and here are some word meanings, so you have to learn this, you should learn this, and after that I will provide the question answers of this poem. Okay, so this is about the poem. Okay student, keep learning.